नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग देवी देवताओं के शक्तियां बसते हैं, शक्तियां निवास करते हैं। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी निवास करती, भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। शनि के वृक्ष पर शनिदेव निवास करते हैं, माँ दुर्गा की शक्तियाँ निवास करती, ठीक उसी प्रकार बेल के वृक्ष पर भगवान शंकर की शक्तियाँ निवास करती हैं, माँ पार्वती की शक्तियाँ निवास करती हैं। लेकिन आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, एक ऐसा फूल है जिस पर समस्त माँ लक्ष्मी की अष्ट रूप निवास करती, केवल इसके एक फूल चढ़ा देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, साधक के सभी प्रकार की मुरादें हैं, साधक के सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगा, आज जो है शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और साधक जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके भक्ति के अनुसार उन्हें धन वैभव प्रदान करते हैं। तो जो आज मैं आप लोगों को फूल के बारे में बताऊंगा, अगर इसके केवल एक फूल माँ लक्ष्मी को आप समर्पित कर देते हैं रात्रि कालीन में 12 बजे के बाद, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, निर्धनता समाप्त हो जाएंगे, आप धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अचानक से आपको धन प्राप्ति होगा, पैसे का गिरोवा बैग मिल सकते हैं या आपके सट्टे का नंबर है लग सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको धन जरूर मिलेगा। हम 101% स्टाम्प पेपर पे लिख के इस उपाय से गारंटी दे सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है आज वह धन दौलत से परिपूर्ण है और उनके सभी प्रकार की इच्छा माँ लक्ष्मी ने पूर्ण की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। जो उपाय बताऊंगा इस उपाय को करना है तो आपको करना क्या मित्र, इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो पौधा देख रहे हैं इसे अपराजिता के नाम से जानते हैं, इसी का आज आप लोगों को प्रयोग करना है। प्रयोग किस प्रकार से करना है ये सब जानकारी बताने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि इसके एक फूल 1000 कमल के बराबर प्रभावशाली माना जाता है। अगर माँ लक्ष्मी को केवल इसके एक फूल चढ़ा दे तो समझ जाइए आपने 1000 कमल के फूल चढ़ा दिए। तो इसके केवल आपको एक फूल दिखना है, लाना है, सफेद अपराजिता होना चाहिए। अगर सफेद अपराजिता आपको नहीं मिल पाते तो इसके स्थान पर आप जो है नीले और सफेद दोनों कलर की जो लगे हुए अपराजिता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे विष्णु कांता के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधे सफेद नीले कलर के होते हैं और आपको करना क्या है, केवल इसके एक पुष्प लेना है और श्रीम, जी हाँ मित्रों, आपको श्रीम बोलते हुए, श्रीम जो है माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति है या फोटो, वहां पे घी का दीपक जलाते हुए रात 12 बजे के बाद श्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए केवल श्रीम बोलना है और श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए केवल इसके एक पुष्प माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। यकीनन माने इस उपाय से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे। ये फूल अभी ढूंढने में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, शाम तक आप ढूंढ लेना। इसके बाद इसके फूल को रात्रि कालीन 12 बजे के बाद माँ लक्ष्मी के सामने में घी का दीपक जला करके भेंट करना है। इससे गरीबी मिटती है, निर्धनता मिटती है, जो भी माँ लक्ष्मी से मांगेंगे वो आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस प्रकार के समय हाथ से न जाने दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।